भक्ति का पहला प्रकार है श्रवणम, कल हमने बात की थी। दूसरी स्मरणम, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये नौ दार है। मगर किससे सुनना चाहिए? श्रवण यानी सुनना। रामायण में बदलाव हो गया, तुलसी ने उसको क्रम बदल दिया कि प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति के प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। कलयुग में पहली भक्ति संत का संग है और बाद में दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। संत के श्रीमुख से, संत के वर्णमुख से भगवत नाम की कथा का श्रवण करना। और इस संसार में श्रवण महान है। विभीषण महाराज राम जी के दरबार में आ गए सुंदरकांड बोलता है, तो राम जी ने पूछा भाई अब तो आपके शत्रु है, आप यहां कैसे आ गए? तो बोले बाप जी मुझे कोई चिंता नहीं। तो कि तुम मुझे जानता नहीं मगर फिर भी आ गया? तो बाप जी ऐसा नहीं, मैंने आपके बारे में सुना है, अपने घने अनजान मिल जाते ना, तो आपको देखा नहीं मगर आपके बारे में सुना है। वैसे विभीषण बोलता है कि बाप जी मैंने आपके बारे में सुना है, आपका स्वभाव मुझे मालूम है। श्रवण सुजसु सुनि आयु प्रभु भंजन व्यव भीर, त्राही त्राही आरत हरन शरण सुखद रघुवीर। मैंने सुना है कि यदि शत्रु भी आपके आपका आश्रय करता है तो आप उसको अभयदान देते हैं, शरण सुखद रघुवीर, उनको सदा सर्वदा सुख की प्राप्ति होती। प्रभु मैं आपको सुन के आया हूं। तो नित्य अभ्यास करता हूं, क्योंकि मन और बुद्धि को ऐसे आज आपने कथा सुन ली और कल बुद्धि को अपने वश में कर ले वो संभव नहीं है। तो अच्छा सुने, करणों से मन की शुद्धि होगी, कथा का आश्रय करें, बारंबार भगवत नाम का स्मरण करें, जिह्वा से बुद्धि से उनका चिंतन करें, स्मरण करें, और चित्त नाम का जो एक इनविजिबल पदार्थ है वहां उस मूर्ति को, अपनी जो कल्पना की मूर्ति या तो अपनी इष्ट मूर्ति है चित्त में, उसको बिठा दे। एक बार चित्त में वो डेटा लोड हो गया फिर बाद में आप कुछ भी करते रहेंगे, जैसे पनिहारी होती है महिला मत्थे पे बेड़ा लेकर पानी लेकर आती है, तो एक बड़ा और उसके ऊपर एक छोटा होता है, मगर वो चलती कैसे? ऐसे नॉर्मल चलती है, ऊपर पानी का बेड़ा होने के बावजूद वो हालती है, चलती है, बातें करती है, इधर उधर देखती है, मगर वो पानी का बेड़ा गिरता नहीं। वो क्यों नहीं गिरता? वो कुछ भी काम करती है, कुछ भी क्रिया करती है, मगर उसका चित्त उस घाघर में, उस बेड़े में होता है कि मेरे ऊपर ये पानी का बेड़ा है। वैसे हमारा मन भगवान को समर्पित कर दे और हमारे चित्त में अपने इष्ट को विराजित कर दे, फिर हम कुछ भी काम करेंगे हमारा चित्त तो श्री कृष्ण शरणम मम ओम नमः शिवाय ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः गं गणपतये। तो चित्त में प्रभु को बिठाना और सदैव बारंबार 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 भगवत आश्रय करना, उसी को कहते हैं अभ्यास। पर ये अभ्यास भी सबसे संभव नहीं है, तो अभ्यास न कर सके तो अभ्यासे अप्य समर्थोसि मत कर्म परमो भव, मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धि मन वाप्यसि। जो यदि आप अभ्यास में समर्थ नहीं है तो केवल मेरे अर्थ कर्म परायण बन जा। क्या काम करना है? भगवान की सेवा का ही काम करना है। यदि अभ्यास नहीं कर सकता, सुन नहीं सकता, भगवत आश्रय नहीं कर सकता तो काम में लग जा। मगर वो काम कैसा करना है? सिर्फ भगवत परायण कार्य है उसमें लग जाना है।
तो तुझे सिद्धि प्राप्त होगी। सुबह से लेकर जो भी काम करो वो भगवान का ही काम होना चाहिए, और काम नहीं होना चाहिए। अभ्यास न हो सके तो भगवत कार्य करना, भगवत परायण होना। हम कर्म में स्वार्थ पकड़ते हैं, हमारा कोई भी कर्म होता है ना निस्वार्थ नहीं होता है, या तो भगवत कार्य नहीं होता है, कुछ ना कुछ स्वार्थ होता है। पैसा मिलेगा, मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, उसका कुछ खराब हो जाएगा इसलिए भी करते। हमारा अच्छा ना हो तो कोई बात नहीं, मगर उसको तो खराब हो गया। तो हम स्वार्थ से काम करते हैं, यानी कि प्राप्ति के लिए। अनासक्त नहीं, आसक्त कर्म होता है। आसक्ति युक्त कर्मों का त्याग कर दे। जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पति की पूजा निष्काम भाव से करती है, वैसे तुझे जो भी काम करे उसमें कुछ लाभ नहीं चाहिए। पति उसको प्रताड़ित करे फिर भी सेवा करती है, पति उसको बोले न बोले, उसका ध्यान रखे न रखे, पतिव्रता स्त्री उनकी सेवा निरंतर पूर्ण भाव से करती है। वैसे ही व्यक्ति को चाहिए कि भगवत कार्य कर्म करे, मगर उसमें मात्र भगवत भाव को ही देखे, या तो भगवान के लिए ही कर्म करे। मन वाणी शरीर के द्वारा, यज्ञ दान तप आदि कर्म द्वारा यज्ञ करें। अनेक प्रकार के यज्ञ अपने घर पे करते हो, होमात्मक यज्ञ, दान करते हो दानात्मक यज्ञ, विद्या दान करते हो ज्ञान यज्ञ, या तो आप किसी को सलाह दे, काय दवाचा मनसेन्द्रियनवाद बुद्ध्यात्मनावा प्रकृतिस्व। इतने प्रकार के कर्म होते हैं। काया से हम स्वच्छता करते, मंदिर को साफ कर दे, ये भी हमारा एक कर्म हो गया, कार्य सेवा हो गई। वाचा किसी को दो मीठा बोल बोल दे, कोई तकलीफ में है सलाह दे दे उसको। समय बढ़ो तो राम भज, आपको अच्छा समय भगवान ने दिया तो क्या करना चाहिए, राम भजो। समय बढ़ो तो राम भज, वक्त बढ़ो कछु दे। तेरे पास बहुत पैसा है किस काम का, संसार को किस काम का, तू देता रहे, वक्त बढ़ो कछु दे। भगवान ने तेरे को बहुत बुद्धि दी, अकल बड़ी तो उपकार कर। बुद्धिशाली लोग क्या करते हैं, कई बार केस को उलझाते, सामने वाले को उलझाता है, और जो जिसको ज्यादा उलझाए वो ज्यादा बुद्धिशाली कहलाता है। सरल स्वभाव न मन कोटी लाई, सरल स्वभाव। स्वभाव में सरलता आनी चाहिए, मन की कुटिलता दूर होनी चाहिए। मन वाणी और शरीर द्वारा भगवत कार्य, यज्ञ दान तप आदि कर्म द्वारा भगवान के लिए जो कर्म करना शुरू कर दे तो तू मुझे शीघ्र ही पा जाएगा। 11वां श्लोक। अभी कहा कि कर्म कर मगर फल का त्याग कर। कर्मण्येवा अधिकारस्ते, तेरा अधिकार कर्म करने में है। मां फलेषु कदाचन, तू पहले फल नक्की करता है फिर कर्म करता है। आज की तारीख में हम दुखी क्यों हैं, हमारा प्रोजेक्ट होता है इतना इतना प्रोजेक्टेड, अगले 5 साल में इतना मिलेगा, हम इतना करेंगे वो नहीं बनाते, हमको इतना एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ये होगा तो हम प्रॉफिट बना लेते। जन्म मरण लाभ हानि जश अपजश विधि हाथ, ये छह चीज है ना, वो भगवान ने अपने हाथ में रखी। बाकी सब पूरी दुनिया अपने देवताओं को दे दी, मानस को दे दी, क्या तू जो करना है कर ले। जन्म मरण लाभ हानि जश अपजश विधि हाथ। जन्म कोई लोग बोलते कि हम तैयार करते, वो तो आप सीजरिंग करते। लोग हमसे पूछते महाराज जी अच्छा कुंडली बता के टाइम बताओ, तो हमने राजयुग वाली कुंडली दिखा दी, तो क्या वो राजा बन जाएगा, नहीं बनेगा, क्योंकि जन्म उनके हाथ में, मरण कोई नहीं जानता, वो उन्होंने अपने हाथ में रखा। जन्म मरण लाभ, लाभ यानी गेनिंग सम वेल्थ,
तो पैसा कैसे मिले, कैसे मिलता है? तो कोई बोलता है परिश्रम करने से मिलता है। यदि परिश्रम से ही संपदा मिलती होती तो संसार का सबसे अमीर गधा होना चाहिए। गधा बहुत काम करता है, दिन रात। संपदा परिश्रम से नहीं मिलती, संपदा कृपा से मिलती। जैसे जैसे हम मन को आगे बढ़ाएंगे, या तो जैसे जैसे सोचना शुरू कर देंगे, हम हमारी हमारी बुद्धि से तप कर रहे हैं, तो भूलो पड़ी भवरणे पटकू भवान, हमारी हालत बड़ी बड़ी आंखें होने के बावजूद भी हम अंधे हैं, ब्लाइंड हैं। हमको जो दिखना है वो हम नहीं दिखते हैं, और नहीं देखना है उसको सामने से पकड़ लेते हैं। भगवत परायण बन जा, फलों त्याग करी, और कर्म फल का त्याग करना संसार में सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि हमारा कर्म का मूल बेज आधार फल होता है। कर्म सुकाम करी तो मने मले, इतले अहिया कीधु अथे तद्रश्य अथे तदप्य शक्तोसी कर्तुम मध्योगमाश्रित सर्वकर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान। जो आप मेरी प्राप्ति रूपी योग चाहते हैं, या तो मेरी प्राप्ति रूपी योग का आश्रय करते हुए आगे जो बताया साधन, उस साधन को पकड़ लेंगे, या तो ये सब साधन नहीं कर सकते हैं, तो मन बुद्धि आदि ऊपर विजय पाने की दृष्टि से, यदि सभी के ऊपर विजय पाना चाहता है तो कर्म फल का त्याग कर दे। जो भी क्रिया की आज मैंने कथा की, ये कर्म कर दिया तो कथा का फल होता है, श्रोता का फल होता है, भगवत कृपा प्राप्त हो जाए। आपको न तो कृपा चाहिए, न तो मुझे दक्षिणा चाहिए, बात खत्म। कोई कर्म करते जाओ, निरंतर करते जाओ, फल जो भी मिलेगा वो अलग बात है। कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म के ऊपर फल के ऊपर तेरा अधिकार नहीं, वो श्लोक अलग है। यहां तो स्पष्ट कहा है कि उस कर्म फल का त्याग करना है, और जो भक्ति के नव अंग गिनाए थे उसमें नौवां जो आत्मसमर्पण है, आत्मसमर्पण में ये होता है कि जिन्होंने अपने नैमित्तिक कर्म फल का भी त्याग कर दिया है, अपनी नैमित्तिक पूजा करते हैं उसका भी फल नहीं चाहिए किसी भी प्रकार का, जिसको फल चाहिए नहीं वो फल को त्याग देता है, मिले न मिले अच्छा बुरा ऐसे नहीं, चाहिए ही नहीं, कर्म फल का त्याग कर दे तो मैं तेरे समीप होगा, हूँ तारी नजदीक थे जाश। कर्म फल त्याग त्यार बाद 12वां श्लोक 12वां अध्याय, श्रेयो श्रेयो ही ज्ञानमभ्यासम अज्ञानाम दृश्यत अज्ञाद्यानाम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागम त्यागात् शांति निरंतरम। अभी उन्होंने एक और बताई बात कि मर्म को जाने बगैर, यदि आपने मर्म को नहीं जाना है और काम करने लगे, मर्म के जाने बगैर अभ्यास करने लगे, या तो बारंबार कथा सुनने लगे मगर मर्म तो जानते नहीं, सिर्फ अभ्यास किया, तो उस अभ्यास से ज्ञान उत्तम है। ज्ञान में क्या है, मूल चीज को जानने का यथार्थ प्रयास होता है। ज्ञानी भटकता है मगर पहुंचता है, ज्ञानी को भगवान को ढूंढना होता है मगर ये पूरा अभ्यास में ही लगा रहता है और अभ्यास से बाहर निकलता ही नहीं, और मर्म को जानता नहीं, और मर्म को जाने मगर किसी भी चीज का अभ्यास निरर्थक बन जाता है। तो यहां भगवान ने कहा कि अर्जुन तू मात्र अभ्यास करेगा, मर्म नहीं जानता है, तो उस अभ्यास को छोड़ दे, इससे तो ज्ञान अच्छा है।
और ज्ञान से भी बढ़िया है मुझ स्वरूप का ध्यान। ध्यान करता पण कर्म फल नो त्याग एना करता पण चढ़िया तो छे त्याग थी ज परम शांति मळे छे। त्यागा शांति निरंतरम। आप थोड़ा उदाहरण देख ले बैग का। जलाराम बापा कितना साल हुआ? 225 हुआ ना। और संतों को याद कर ले तो उनके पास था क्या? कोई राजा नहीं थे। उनके समकालीन बड़े बड़े राजा हो गए मगर उस राजा को कोई याद नहीं कर पाए। जिन्होंने बहुत बनाया उसको संसार ने याद ही नहीं किया मगर जिन्होंने त्याग दिया उनको आज भी निरंतर हम याद करते हैं क्योंकि उन्होंने परम शांति की अनुभूति त्याग करके की। जैसे मेरा नहीं है तेरा, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो है प्रभु तोर तेरा तुझको सौंप दे क्या लागे मोह।